यस क्या बात नहीं आ रही क्या? इससे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए हम डेवलप करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को समझना इंपॉर्टेंट है। किसी को प्रीवियस क्लास से रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, ठीक है? चलिए ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? देखो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, ये मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि देखो मल्टीपल टाइप्स के डेटाबेसेस होते हैं, है ना। एक होता है सिंपल डेटाबेस, यानी कि फाइल कलेक्शन ऑफ सिमिलर फाइल्स एंड फोल्डर्स इज नोन एज अ डेटाबेस। इसमें ये आपकी टेबल के फॉर्म में, टेबल स्ट्रक्चर में, आपकी मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स में आपके अलग अलग फाइल कंटेंट को, आपके डेटा को स्टोर करके रखता है। दैट इज नोन एज योर डेटाबेस, राइट। अब हमने बोला है कि जब हम पूरे एक सिस्टम की बात करें, ठीक है, हम मल्टीपल सिस्टम्स की बात अगर करें, एक मल्टीपल लोकेशंस की बात अगर करें, तो वी नीड टू हैव मल्टीपल डेटाबेस, और एक डेटाबेस से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब मल्टीपल स्टूडेंट हैं, सबको सबके पास अपनी अपनी प्राइवेट कॉपीज, प्राइवेट नोटबुक्स होनी चाहिए, या सारे के सारे स्टूडेंट में एक हम कॉपी दे दें, एक नोटबुक दे दें स्टोरेज के लिए, वो काम कर लेगी, ठीक है। तो वो जो एक कॉपी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हमने मल्टीपल 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स को बोल दिया कि आपके पास एक ये नोटबुक है, अब इस एक नोटबुक में आपको अपने नोट्स मेंटेन करने, 10 के 10 स्टूडेंट्स जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी सीखेंगे, जो भी पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, वो सारा का सारा उसी नोटबुक में कॉपी करते रहेंगे, राइट। तो दैट टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। वो क्या होता है, मैंने लास्ट ईयर बताया था आपको, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब सारे के सारे सिस्टम के पास एक इकलौता डेटाबेस होता है, जो मास्टर डेटाबेस या सेंट्रल डेटाबेस आप इसको बोल सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होगा सारे के सारे सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, सारे के सारे सिस्टम का काम परफॉर्म करने के लिए, वर्क परफॉर्म करने के लिए, राइट, ठीक है। दैट टाइप ऑफ डीबीएमएस इज नोन एज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। अब वाइस वर्सा ले लेते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो सकता है? ऑपोजिट हो सकता है कि अब हमने क्या किया, 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल नोटबुक दी है, और हर एक स्टूडेंट को बोला गया है कि अब आपके जो भी नोट्स हैं आप अपने इंडिविजुअल नोटबुक्स में मेंटेन करके चलिए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने हर एक सिस्टम, हमारे जितने भी, मान लीजिए अब इधर तो हम 4 बना रहे हैं, जितने भी सिस्टम है हमारे पास, हर एक सिस्टम को हमने उनका प्राइवेट डेटाबेस प्रोवाइड कर दिया। उनको बोला गया कि आपका ये इंडिविजुअल, आपके पास अपने अपने डेटाबेसेस हैं, इन सारे डेटाबेसेस में आप अपना काम परफॉर्म करो, और अपने जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी स्टोरेज से रिलेटेड जो जो भी डेटा है, वो सबका सब यहाँ पे आप स्टोर करके रखो, राइट। अब देखिए, ये अगर एक डेटाबेसेस अलग अलग हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या ये एक सिस्टम को बिलोंग करते हैं क्या ये सारे के सारे? अभी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया है, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कनेक्टिंग ईच एंड एवरी डेटाबेस ऑफ वन पर्टिकुलर सिस्टम थ्रू लॉजिकल मीडियम, ठीक है, इसको हम किसके थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं, थ्रू एनी लॉजिकल मीडियम, एक इंटरनेट, फिजिकल वायर्स के थ्रू कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिजिकल वायर्स के थ्रू इन सब कनेक्शंस कंप्यूटर्स को नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग डेटाबेसेस को, हम इनको किसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, एक लॉजिकल मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, विच कैन बी नोन एज इंटरनेट, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अलग अलग मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आपके पास हर जगह, हर एक सिस्टम के पास अपना एक प्राइवेट डेटाबेस होगा, जो सारे डेटाबेस आपस में एक लॉजिकल मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर दिए गए हैं, ताकि ये सारे के सारे डेटाबेस आपस में कम्युनिकेट कर सके, अपने ट्रांजेक्शन्स को सेंड कर सके, रिसीव कर सके, राइट। एग्जाम्पल ले लीजिए, SBI बैंकिंग का कोई भी बैंक ले लीजिए, रेलवेज ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ पे एक ही तो हेड ब्रांच होती है, बहुत सारी, एक ही सिटी में बहुत सारी ब्रांच हैं,
सबके पास अपना अपना डेटाबेस है। आप पंचशील की ब्रांच ले लीजिए, उसके पास अपना डेटाबेस है, वो अपने कस्टमर्स को अपने उस डेटाबेस में ऐड करेगा। बस स्टैंड की ब्रांच ले लीजिए, उसके पास अपना डेटाबेस है, अपने कस्टमर्स को उसके डेटाबेस में इंसर्ट करेगा, राइट। बट ऐसा नहीं है कि पंचशील ब्रांच और बस स्टैंड ब्रांच आपस में इंटरैक्ट नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हेड ब्रांच पर चले जाइए, वो किसी भी कस्टमर, अगर आपका अकाउंट है SBI में, तो आपकी डिटेल फेच करके वो दे देते हैं, राइट। तो इस वो क्यों दे पाते हैं, क्योंकि हर एक ब्रांच का जो डेटाबेस है वो आपस में लॉजिकल मीडियम के थ्रू, आपस में इंटरनेट के थ्रू सबके सब कनेक्टेड हैं, सब आपस में अपना इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, अ सिंगल लॉजिकल डेटाबेस दैट इज स्प्रेड फिजिकली अलोंग कंप्यूटर्स इन मल्टीपल लोकेशंस दैट आर कनेक्टेड बाय डेटा कम्युनिकेशन लेयर, ठीक है। एक लॉजिकल डेटाबेस है, एक लॉजिकल डेटाबेस है जो कि फिजिकली स्प्रेडेड है अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग लोकेशन पे स्प्रेडेड है, राइट। और सब के सब एक डेटा कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्ट कर दिए गए हैं, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट वेल, सो दैट दे कैन सेंड एंड रिसीव देयर रिस्पेक्टिव मैसेजेस, ओके, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो एक सेंट्रलाइज्ड होता है, सेंट्रलाइज्ड आई होप यू ऑल गेट इट, कि एक सिंगल डेटाबेस है और वो सारे के सारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड कर दिया गया है, राइट। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड के अलावा होता है डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस क्या है, सिंपल सा वही फंडा है, डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि एक कंप्यूटर है, उसके पास बहुत सारे, सबके पास अपने अपने नेटवर्क्स हैं, अपने अपने डेटाबेस हैं, लेकिन वो एक नेटवर्क लॉजिकल मीडियम के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, वो फिजिकल मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड में यही होता है डिफरेंस कि डिसेंट्रलाइज्ड में सारा का सारा जो नेटवर्क है वो आपका इंटरनेट कोई पर्टिकुलर लॉजिकल मीडियम से कनेक्टेड नहीं है, सबके पास अपने अपने डेटाबेसेस हैं, लेकिन वो सारे के सारे आपस में वायर्स के थ्रू, कोएक्सियल केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है, राइट। तो अब ये जो वायर्स के थ्रू कनेक्शन होगा तो ये लिमिटेड जगह तक हो सकता है, लिमिटेड स्पेस में हो सकता है, लेकिन अगर हम इंटरनेट लॉजिकल मीडियम से कनेक्ट करें, डेटा कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्ट करें, तो उसको हम वर्ल्ड वाइड कितना भी स्प्रेड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो दो हैं आपकी चीजें, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस, दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन दे आर नॉट द सेम थिंग, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डेटाबेसेस ऑन नॉन नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स, वो आपस में सारे के सारे कंप्यूटर्स वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे, लॉजिकल मीडियम के थ्रू कनेक्टेड नहीं होंगे, नॉन नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन होगा, तो वो होगा डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस, वेयर एज अगर लॉजिकल के में कनेक्शन होगा तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, राइट। अब दिस वी हैव स्टडीड इन डिटेल, राइट, हमने लास्ट ईयर पूरा का पूरा बहुत ही एक एक पॉइंट बड़ी आराम से पढ़ा था, आराम से पढ़े पूरा इसको समझा था, थोड़ा सा हम इसको मैं आपको ब्रश अप कर देती हूँ, रिव्यू रिवाइज कर देते हैं सारा जो भी हमने पढ़ा है, राइट। किसी को लगे कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है या तेज हो गया या याद नहीं आ रहा एक्स वाई जेड, कुछ भी लग रहा हो, अगर नहीं समझ आया तो लेट मी नो, राइट, चैट पे बता सकते हो या फिर आप हैंड रेज करके बता सकते हो, बता देना सो दैट आई कैन स्लो डाउन माई स्पीड और वट एवर यू वॉन्ट, राइट। चलिए तो रीजंस देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के रीजंस क्या थे, क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट आर द की एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, हमने क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस को यूज में लिया है एंड एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या क्या हो सकते हैं, पहली चीज सेंट्रलाइज्ड में ना एक यूनिट ऑटोनॉमी थी, क्या थी, क्योंकि एक ही सेंट्रल डेटाबेस के पास सब सिस्टम की राइट्स थी, है ना, एक ही सेंट्रल डेटाबेस के पास, ये सेंट्रल डेटाबेस हमारे पास है, इसी के पास सारे सिस्टम की राइट्स हैं कुछ भी एक्शन रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक, राइट। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में ये जो सेंट्रल ऑटोनॉमी थी, यूनिट ऑटोनॉमी थी, वो खत्म कर दी, एलिमिनेट कर दी, राइट। तो रीजंस क्या रहे हमारी, पहली चीज बिजनेस यूनिट ऑटोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा का प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था और एक सेंट्रल ऑटोनॉमी थी, एक सेंट्रल यूनिट के पास सारी की सारी पावर्स थी आपके उस सब पूरे के पूरे कंप्यूटर्स को एक्सेस करने की, राइट। नेक्स्ट कैन बी
डेटा शेयरिंग, प्रॉपर डेटा शेयरिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि देखो हर एक सिस्टम है आपके, एक ही जगह पे हमने सारा पूरी की पूरा जो भी हमारा डेटा है हर एक सिस्टम का, वो एक जगह पे स्टोर करा हुआ है। तो जब एक जगह पे स्टोर करा हुआ है, तो अगर इन दोनों सिस्टम को आपस में कोई डेटा शेयर करना है, तो दैट कैन नॉट बी शेयर्ड। ये आपके सेंट्रल डेटाबेस से परमिशन मांगेगा, सेंट्रल डेटाबेस इसको परमिशन ग्रांट करेगा, फिर हम इन्हें इसको डेटा सेंड करेंगे, ये वापस से इसको एक्सेस परमिशन देगा, राइट। तो ये डेटा शेयरिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क, तो हमने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में डेटा शेयरिंग भी बहुत अच्छे से हो गई, ठीक है। कम्युनिकेशन कॉस्ट, ऑब्वियसली आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम्स को एक इंटरनेट मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर लेते हो, और उसी के रिस्पॉन्स में आप उन सब सिस्टम के डेटाबेस को वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड में वायर्स के थ्रू अलग अलग कंप्यूटर्स डेटाबेस से कनेक्ट कर दिए जाते थे, राइट। तो कम्युनिकेशन कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज्ड थी। डिस्ट्रीब्यूटेड में हमने वायर्स का कंसेप्ट इलिमिनेट कर दिया, हमने सबको एक इंटरनेट मीडियम के थ्रू कनेक्ट करवा दिया, तो हमारी जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो भी इलिमिनेट हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट, अगेन कॉस्ट वी हैव डिस्कस्ड, रिलायबिलिटी कैन बी जज्ड, हम अब अपने इस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर रिलाई कर सकते हैं, डिपेंड हो सकते हैं, वेयर एज सेंट्रलाइज्ड वाले पे हम डिपेंड नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रल वाला फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल है, राइट। और अगर सेंट्रल यूनिट सेफ है तो हमारी पूरी यूनिट, पूरा सिस्टम सिक्योरली काम कर रहा है। वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड में सबके पास अपने अपने डेटाबेस हैं, कोई फेल हो भी जाता है तो हमारी पूरी प्रोसेसिंग नहीं रुकेगी, हमारे सिस्टम चलता रहेगा, कोई फेल हो गया वो अपने आप को रिकवर करके फिर से आ जाएगा एक्शन में। लेकिन सेंट्रलाइज में अगर कोई फेल हो जाता है सेंटर डेटाबेस, तो हमारी पूरी प्रोसेसिंग रुक जाएगी, पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो रिलायबल है इसकी वजह से। मल्टीपल एप्लीकेशन वेंडर्स, कहाँ तो एक ही डेटाबेस था हमारे पास, अब मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर चलेंगे, मल्टीपल लोकेशन पर चलेंगे, तो एप्लीकेशन वेंडर्स का भी फायदा रहेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो, ठीक है। एक डेटाबेस में हमारा कम इन्वेस्टमेंट था, एप्लीकेशन वेंडर्स का कम स्कोप था, अब अलग अलग डेटाबेसेस हैं, अलग अलग लोकेशंस पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन वेंडर्स इन्वेस्ट करेंगे और उनका भी स्कोप रहेगा, राइट। डेटाबेस की रिकवरी, एज आई सेड, एक ही जगह है तो उसको वो फेल हो जाती है तो पूरा प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाती है और उसकी रिकवरी करना हमको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे सिस्टम ही उस पर डिपेंडेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में ऐसा नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में आपके पास हर कंप्यूटर के पास अपना एक डेटाबेस है, तो रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, राइट। ट्रांजैक्शन एंड एनालिटिक प्रोसेसिंग, यस, ट्रांजैक्शन को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, अब एसेट प्रॉपर्टीज, कॉन्करेंसी एंड ये सारी की सारी कहानी हमने पूरी डिटेल में पढ़ी थी, राइट। तो ट्रांजैक्शन एंड एनालिटिक प्रोसेसिंग भी बहुत स्मूथली रन करेगी, क्योंकि अलग अलग डेटाबेस अगर होंगे, अलग अलग स्टोरेज जगह अगर हमारे पास होंगी, तो हम बड़ी आसानी से सारा का सारा ट्रांजैक्शन, डेटा का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सिक्योरली कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, तो दीज वर द बेसिक से स्टेप्स, बेसिक पॉइंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाते हैं फीचर्स ऑफ DBMS। फीचर्स क्या है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? DBMS वही हमारे फीचर्स में भी इंक्लूड किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज कि अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां पे हम बहुत ही अच्छी, बेहतर तरीके से, इम्प्रूव तरीके से डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, राइट। किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, किसी भी डेटाबेस में अगर कोई अपडेशन डाल रहे हो, तो इसका इम्पैक्ट दूसरे डेटाबेस पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आपको एक सेंट्रल डेटाबेस पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है कि हम उसको रिट्राइव नहीं कर पा रहे, हम उसको अपडेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल सिस्टम्स उससे कनेक्टेड है, उस पर डिपेंडेंट है, हम बड़ी आसानी से डेटा, वी कैन क्रिएट, रिट्राइव एंड अपडेट योर अपडेट एंड डिलीट योर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। ट्रांसपेरेंट टू द यूजर, हर एक यूजर को ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि यस, माई डेटाबेस इज क्रिएटेड हियर, एंड मेरा जो डेटाबेस है उसमें इस तरीके का काम किया जा रहा है, मेरा डेटाबेस अलग से स्टोर्ड है, किसी के साथ मिक्स्ड नहीं है, ठीक है। फाइन, तो ट्रांसपेरेंसी है यूजर की मेंटेन्ड। डेटा मॉडिफाइड एट एनी साइट इज यूनिवर्सली अपडेटेड,
ठीक है। आप भी हम कंसेप्ट लास्ट ईयर भी पढ़ा था क्लास रेप्लिकेशन एंड फ्रेगमेंटेशन का, डेटा प्लेसमेंट्स में आता है, तो वो यही बताएंगे कि हम उसमें यही डिस्कस करेंगे कि अलग अलग अगर डेटाबेसेस हैं तो किस तरीके से सारे के सारे डेटाबेस आपस में कनेक्टेड होंगे, राइट। अलग अलग अगर डेटाबेसेस हैं तो किस तरीके से कनेक्टेड होंगे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सारा कंटेंट होगा या एक लोकेशन पे सिर्फ उसी पर्टिकुलर लोकेशन का कंटेंट होगा, एंड सो ऑन, राइट। तो वो वी विल बी डिस्कसिंग इन रेप्लिकेशन कंसेप्ट कि किस तरीके से हर डेटाबेस की जो भी डेटा होता है वो कहाँ कहाँ पे अपडेटेड होता है, किन किन साइट्स पे अपडेटेड किया जाता है, राइट। यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, क्योंकि आप अब यहाँ पे एक डेटाबेस तो है नहीं कि लंबा लंबी क्यू में हमको वेट करना पड़ेगा अपनी प्रोसेसिंग के लिए। अगर 10 से ज्यादा कस्टमर्स आ गए, मल्टीपल कस्टमर्स आ गए, तो वेट करना पड़ता पड़ेगा। अब आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, मल्टीपल सिस्टम्स हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली हम ऑपरेट कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन्ड। इंटीग्रिटी मीन सिंपल करेक्टनेस ऑफ डेटा, कि जो भी आपका डेटा है वो कितना परसेंट सही है, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी कि कितना करेक्ट सोर्स से आया है और कितने करेक्ट सेंडर पे जाएगा, उस डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ DDBMS वी कैन अचीव दैट। ओके, ओवरहेड्स फॉर इम्प्रॉपर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, यस ऑब्वियसली। यहाँ पे अब अपन को देखना है डिसएडवांटेजेस। अच्छा ओके, पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। देखो सिंपल जो हमने फीचर्स पढ़े थे वही चार मेजर एडवांटेजेस हैं। यहाँ पे मॉड्यूलर डेवलपमेंट हो गया है। मॉड्यूलर डेवलपमेंट क्या होता है, एनीवन, किसी को ध्यान है मॉड्यूलर डेवलपमेंट? देखिए मॉड्यूलर डेवलपमेंट क्या है, सिंपल, अब हमने अपना जो डेटा है ना वो एक ही जगह पे ना स्टोर करके, हमने अपने डेटा को डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करके स्टोर करा हुआ है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि पहले लाइव एग्जाम्पल से मैंने कनेक्ट किया था प्रीवियस ईयर भी, कि पहले जैसे एक पूरी किचन में आपका सारे यूटेंसिल्स पड़े रहते थे एक जगह पे, अब हमने क्या किया, आजकल मॉड्यूलर किचन का फैशन है, वहां पे अलग अलग शेल्फ्स होते हैं कि एक शेल्फ में आपकी प्लेट्स रहेंगी, दूसरे शेल्फ में दूसरे तरीके का यूटेंसिल रहेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अलग अलग बॉक्सेस रह सकते हैं, तो अलग अलग मॉड्यूलर डेवलपमेंट, यानी कि अब हमने अपने डेटा को रैंडम फैशन में ना अरेंज करके प्रॉपर मॉड्यूल्स में, प्रॉपर ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करके स्टोर किया है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा जो भी डेटा है वो ज्यादा रिलायबल हो चुका है, क्योंकि जब भी किसी यूजर को उस डेटा को एक्सेस करना होगा वो उस रिस्पेक्टिव डेटाबेस के पास जाएगा और अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेगा, अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है, राइट। देन लो कम्युनिकेशन कॉस्ट। लो कम्युनिकेशन कॉस्ट क्या है हमारी, सिंपल, जैसे मैंने बोला, क्योंकि एक नेटवर्क मीडियम है, वो एक नेटवर्क मीडियम में हमारी ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोसेस कम्युनिकेशन कॉस्ट कम लगी, क्योंकि यहाँ पे हमको वायर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना वायर अलग अलग लोकेशन पर जाके, राइट। हमने एक सिंपल एक लॉजिकल मीडियम, इंटरनेट मीडियम कनेक्ट किया, उससे सारे सिस्टम डेटाबेसेस को कनेक्ट कर लिया और हमने अपना जो भी कम्युनिकेशन करना था वो सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं, ओके। इसी तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इतनी अच्छाई देख ली हमने DDBMS की, तो थोड़ी बुराई भी पता ही होगी, पता ही होनी चाहिए, क्योंकि हर एक रिस्पेक्टिव सिस्टम में अच्छाई होती है, तो देयर एग्जिस्ट सम डिसएडवांटेजेस टू, राइट। तो नीड फॉर डिसएडवांटेजेस, नंबर फर्स्ट नंबर, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, यस ऑब्वियसली। अगर आपको अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग लोकेशंस पे अपने सिस्टम को बढ़ाना है, सिस्टम को वो करना है, प्रोसेस करवाना है, तो हर एक सिस्टम के पास में रिस्पेक्टिव डेटाबेस के लिए आपको एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ सकती है, दैट कैन बी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, राइट। अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको डेवलपर्स की जरूरत पड़ सकती है उनको प्रोसेस करवाने के लिए, क्योंकि हर लेमैन आपके रिस्पेक्टिव डेटाबेस की सॉफ्टवेयर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है,
राइट, तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है वहां पे। सेंट्रलाइज में तो एक ही जगह पे था हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा डेटाबेस, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम थी क्योंकि एक ही जगह पे है, तो सारे के सारे कस्टमर्स जो भी हैं वो वहां से अपना डेटा रिट्राइव कर लेते हैं। अब हर अलग जगह पे है तो हमको उसकी एक्सपेंसिव फैक्टर भी देखना है और कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है प्रोसेसिंग ओवरहेड्स। प्रोसेसिंग ओवरहेड्स यानी कि वही चीज कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लोकेशंस हैं। ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस पे, हर एक लोकेशन पे अपना अपना डेटाबेस है। प्रोसेसिंग के लिए ओवरहेड्स हो सकते हैं, मान लीजिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में अलग अलग लोकेशन पर मल्टीपल कस्टमर्स या मल्टीपल डेटा को डेटा रिट्राइव करवाना चाहते हैं तो उसमें अनवांटेड यूजुअल टाइम लग सकता है। राइट, ग्रेटर पोटेंशियल फॉर बग्स, क्योंकि अब ज्यादा बड़ा डेटा है, हर तरीके से स्टोर किया गया है, अलग अलग मॉड्यूल्स में स्टोर किया गया है, तो चांसेस हैं एरर्स के। राइट, कि मान लीजिए अलग वहां पे कोई पर्टिकुलर डेटा स्टोर्ड है, दूसरी लोकेशन पे कोई डेटा स्टोर्ड है, वहां पे कोई एरर आ गया, हम उसको डेटा को रिट्राइव नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है वापस से उसको सही करने के लिए। ठीक है, तो ग्रेटर पोटेंशियल फॉर बग्स, क्योंकि जितना ज्यादा कैपेसिटी उतना ज्यादा डेटा और उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, है ना, क्योंकि डेटा के साथ डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉब्लम्स, एरर्स, बग्स। राइट, तो जितना ज्यादा डेटा उतने ज्यादा बग्स। डेटा इंटीग्रिटी, अगेन इफ दिस इज एन एडवांटेज फॉर DDBMS, ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकती है क्योंकि आपके मल्टीपल लोकेशंस पे डेटा स्टोर किया गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी ने अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो वो इंफॉर्मेशन दूसरी लोकेशन पर भी अपडेटेड होनी चाहिए, थर्ड लोकेशन पे भी अपडेट होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो डेटा की इंटेग्रिटी मैनिपुलेट होती है, डेटा की करेक्टनेस मैनिपुलेट होती है। यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू 10 अपडेट 10 से 20 कर दी, अब बाकी जगह तो एक्स की वैल्यू 10 ही थी। राइट, तो यहाँ से अगर मैं दूसरी लोकेशन से अपने एक्स की वैल्यू रीड करना चाहूंगी तो मुझे 10 ही मिलेगी, बल्कि हम उसको अपडेट कर चुके हैं। राइट, तो दिस विल लीड्स टू डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। राइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवरहेड्स फॉर इम्प्रॉपर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अब आपको मॉड्यूलर डेवलपमेंट करना है, आपको अपने ह्यूज डेटा को छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग डेटाबेसेस में, तो आपको प्रॉपरली देखना होगा कि आपका जो भी डेटा है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नहीं है। हमने जो मॉड्यूल्स बनाए हैं वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। फाइन, यस, चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट DDBMS। अब अपन देख लेते हैं इसके टाइप्स को। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था, नो सॉरी लास्ट क्लास नहीं, लास्ट ईयर देखा था जब हमने DDBMS पढ़ा था। दो टाइप्स के होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकेंड इज हीट्रोजीनियस। यस, फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकेंड यू हैव इज हीट्रोजीनियस। यहाँ पे टर्म आया है होमो एंड यहाँ पे वर्ड आया है हीट्रो। राइट, बाय दिस यू कैन मेक, इसका मतलब आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होमो का मतलब होता है सेम एंड हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। राइट, तो दो टाइप्स के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, एक होता है होमोजीनियस जिसमें आपके मल्टीपल डेटाबेस, जितने भी डेटाबेसेस इंक्लूडेड होंगे आपके पूरे के पूरे सिस्टम में, सारे के सारे होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस यानी कि सिंपल, सबके सब एक ही तरीके, एक ही टाइप के डेटाबेसेस होंगे। एंड हीट्रोजीनियस यानी सिंपल, हीट्रो मतलब डिफरेंट, यानी कि जो भी आपके डेटाबेसेस इंक्लूडेड हैं वो सबके सब क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेसेस होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, होमोजीनियस मतलब सिंपल एक कम्युनिकेशन चैनल है हमारे पास, मल्टीपल सिस्टम्स हैं, डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू एंड डिपार्टमेंट थ्री, सबके पास सेम तरीके का सेम तरीके का डेटाबेस है प्रेजेंट। ओरेकल 9 है, ओरेकल 9 है, ओरेकल 9 है, सेम तरीके का, सेम टाइप का डेटाबेस है अगर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज होमोजीनियस। एंड अदरवाइज अगर सब सबके पास अलग अलग तरीके का
डेटाबेस है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज हिट्रोजीनियस. यहाँ पे देख लो आपके पास वही डिपार्टमेंट है, एक कम्युनिकेशन चैनल है, एक के पास एमएस एक्सेस डेटाबेस है, एक के पास ओरेकल 9 आए हैं, एक के पास एसक्यूएल सर्वर 2009 है. और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस प्रेजेंट हैं आज आजकल टेक्नोलॉजीज में. बहुत सारे डेटाबेस आपको मिल जाएंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे. तो अगर सबके पास अलग अलग तरीके का डेटाबेस टाइप प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा हीट्रोजीनियस, सबके पास सेम तरीके का है तो वो हो जाएगा होमोजीनियस. ओके यस. तो इसकी थोड़ी थ्योरी भी एक जल्दी से रीड कर लेते हैं. देखिए सबसे पहली चीज, सेम डेटाबेस एट सेम डीबीएमएस एट ईच नोड, यानी कि सिंपल होमोजीनियस. ठीक है, यूजेस सिमिलर सॉफ्टवेयर, इसका की पॉइंट हो गया, सबके पास सिमिलर सॉफ्टवेयर होगा. ईच साइट इज अवेयर ऑफ ऑल अदर साइट एंड कोऑपरेट अकॉर्डिंगली. हर एक साइट को हर दूसरी साइट के बारे में पता होगा और उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी वर्किंग प्रोसेस को मैनेज करेंगे. ठीक है, जितने भी साइट सिस्टम में इंक्लूडेड हैं, जो एक लॉजिकल नेटवर्क के थ्रू, लैन वैन या मैन, एक लॉजिकल नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, वो सारे के सारी साइट्स आपस में हर दूसरी साइट के बारे में अवेयर होंगी, कौन क्या प्रोसेस कर रहा है, कौन क्या अपडेट कर रहा है, कौन क्या डिलीट कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो सारा का सारा काम जो कर रहे हैं, पूरा सिस्टम वो मैनेज करेगा अकॉर्डिंगली. ठीक है, डेटाबेस इज एक्सेस्ड थ्रू सिंगल डेटाबेस. ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में एक ही टाइप का डेटाबेस है तो एक सिंगल डेटाबेस के थ्रू एक्सेस करेगा इसको. हम उसके वेरियस टू पार्ट्स में पढ़ सकते हैं. होमोजीनियस इज फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू टू पार्ट विच इज ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस. इसमें फंक्शन की स्पेलिंग गलत है. यस, ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस. ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट डीबीएमएस दैट फंक्शंस ऑन इट ओन एंड यूज मैसेज पासिंग फॉर डेटाबेस अपडेट्स. एंड नॉन ऑटोनोमस यानी कि यहाँ पे भी एक मास्टर डेटाबेस होगा दैट विल बी कोऑर्डिनेटिंग ईच एंड एवरी डेटाबेस. ठीक है, नॉन ऑटोनोमस होमोजीनियस मतलब कि मल्टीपल डेटाबेस हैं. पहली तरीका सेम तरीके के होंगे, सेम टाइप के होंगे, ओरेकल 9 है, सारे के सारे हैं तो ओरेकल 9 होंगे. ऑटोनोमस में क्या है कि सब डेटाबेस आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, सारे के सारे डेटाबेस आपस में इंडिपेंडेंट होंगे अपनी वर्किंग को रिलेटेड. सब अपनी जो भी प्रोसेसिंग करनी है, मैसेज पासिंग करनी है, ट्रांजेक्शन करना है, वो आपस अपने आप में इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेंगे. ठीक है, नॉन ऑटोनोमस मतलब नो पावर. राइट, तो नो पावर यानी कि यहाँ पे भी एक सेंट्रल डेटाबेस होगा जो सारे के सारे डेटाबेस को कम्युनिकेट करवाएगा, सारे के सारे डेटाबेस को कोऑर्डिनेट करेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल दो तरीके के, होमोजीनियस ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस. इसी तरीके से हीट्रोजीनियस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू टू पार्ट विच इज फेडरेटेड एंड अनफेडरेटेड. There is a network which I think